कपट जंजाल सियावर राम चंद्र जी है, पवन सुख हनुमान जी है, संतन जी है, पवन सुख हनुमान जी है। कहते हैं कि न हारा है इश्क, न दुनिया थकी है, हवा चल रही है, दिए जल रहे हैं, और सुकून ही सुकून है, खुशी ही खुशी है, तेरा गम सलामत मुझे क्या कमी। दियाओं के बदले मकान जल रहे हैं, लगता है मंजिल करीब आ। भगवान ने अहिल्या को तारा, अहिल्या का प्राकट हुआ। अहिल्या ने कहा, प्रभु आपने मुझ दीन पर कृपा करी, ये जरूर प्रारब्ध का प्रभाव होगा। मैं तो ये मानता हूं कि मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, मेरे पति ने मुझे जो श्राप दिया वो अच्छा ही था, क्योंकि अगर मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया होता, मैं पत्थर की शिला नहीं बनी होती, तो आज रघुवीर की चरण की रज पा के मैं बैकुंठ नहीं जाता। घर में कह के देख लो जी, जरा सी कोई बात हो जाए तो हो धरती आकाश एक जगह हो जा। अब विश्वामित्र जी ने सभी कलाओं से राम और लक्ष्मण को पूर्ण कर दिया है। बैठ करके जगत कल्याण के बारे में सोच रहे हैं, परमात्मा श्री हरि की अचानक जनकपुर से एक पत्रिका आई है। पूर्व समय की एक व्यवस्था थी, है जी, कि कोई भी शुभ कार्य अगर करना है
तो पहले गुरु के द्वार पे निमंत्रण भेजते थे ना, अब तो पहले ससुराल में भेजते हैं लोग, महाराष्ट्र में, इधर नहीं। महाराष्ट्र के लोग ऐसा करते हैं, यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले गुरु के द्वार पे पत्रिका भेजी जाती थी। महाराजा जनक की सुपुत्री, पहले प्रसंग में बताया है मैंने कि आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है, स्वयं जानकी के स्वरूप में उतरित है। जनकपुर की एक स्वच्छता कर रही है, घर की सफाई कर रही है, वहां पे एक शिव धनुष रखा हुआ है जिसे कोई हिला भी नहीं सकता। और जानकी जी ने घर की सफाई करते करते उठा के एक तरफ रख दिया है। महाराज जनक को जब ये पता लगता है तो कहते हैं, भाई एक प्रवस्था है, एक व्यवस्था है समाज की, कि अगर हमारी लड़की 12वीं पास है तो उससे ज्यादा एजुकेशन वाला बच्चा हम ढूंढते हैं। क्योंकि फिर बात बिगड़ जाएगी ना। यहां पर भी महाराज जनक ने देखा कि मेरी कन्या में जितना बल है, जितनी शक्ति है, इसी से ज्यादा शक्ति वाले बालक से मैं इसका विवाह करूंगा। अब जानकी ने उसे हटाया है तो जो धनुष को तोड़ देगा उससे विवाह होगा, भंजन कर देगा उससे उसका विवाह होगा। संकल्प ले लिया है। पूर्व समय में तो संकल्प लेते थे लोग कि ये कार्य करके ही रहूंगा, कि मैं मेरी पुत्री का विवाह उस राजकुमार से करूंगा जो इस शिव के धनुष को तोड़ देगा, भंजन कर देगा। और इसके लिए सारे देश के राजाओं को न्योता दिया गया है, पर 3 जगह नहीं भेजा गया। सबको न्योता दिया लेकिन 3 घर में न्योता नहीं दिया, है ना? वो हमें अच्छे नहीं लगते, वो बैठे रहते ऐसा वैसा लोग बोलते ना, लेकिन यहाँ 3 जगह न्योता नहीं गया। और तीनों बड़े महत्व की चीज है। सबसे पहले न्योता उसी घर में नहीं दिया जहां जनक की चारों बेटियां ब्याह के गई है। अयोध्या में महाराज जनक जी ने पत्रिका नहीं भेजी थी, ना रावण को भेजा था, क्यों तिवारी बाबा ऐसे ही कुछ है, ना बाणासुर को भेजा था। लेकिन यही देख लीजिए कि जिसके घर में पत्रिका ही नहीं भेजी, लोगों ने ऐसा तिरस्कृत किया, उसी के घर में ब्याह के चारों लक्ष्मी बन के आ गई है। गुरु की कृपा होती है महाराज। लेकिन वही शब्द था वहां कि आप मेरे प्राणनाथ हो, आज से दोनों बेटा मैं आपको दे रहा हूं विश्वामित्र, आज से ही तुम ही इनके पिता हो। अयोध्या में पत्रिका गई ही नहीं है, स्वयंवर में आने के लिए आमंत्रण के लिए अवध में कहां भेजी गई है पत्रिका, लेकिन चारों लड़कियां ब्याह के अयोध्या में गई। अभी भी अयोध्या वाले मिथिला वालों से वही रिश्ता लगाते हैं, क्या जी? मिथिला वाले और अयोध्या वालों का वही रिश्ता है जी, अभी भी मानते हो। कहा के जी भाई अयोध्या के, भाई आप कहा के? बोले मिथिला के। ओहो, तब तो आप हमारे वो लगते दुल्हन के भाई। पत्रिका आई है भगवान राम को और लक्ष्मण को लेके महाराज जनक के यहां चले हैं विश्वामित्र। अब किसी के साथ, बाबा के साथ अगर बेटा बेटी नजर आ जाए तो दुनिया बहुत सवाल उठाती है। लोगों को ऐसा लगता है कि प्रश्न एक जगह उठता है। जनकपुर में जैसे ही
विश्वामित्र जी ने कदम रखा है, प्रश्नों का सिलसिला चालू हो जाता है। महाराज ये कौन है, ये आपके पास जो दोनों बालक हैं किसके हैं? इतने छोटे छोटे बच्चों को कोई माँ बाप अपने से दूर कर नहीं सकता, और अगर ये आपके पास है तो ये कौन है, दाल काली है या दाल में काला है, आप बताओ, प्रमाण दो। पूछा है ना महाराज, मैं नहीं बोल रहा हूं, तिवारी बाबा गोस्वामी जी बोल रहे हैं, और उन्होंने प्रमाणित किया है, पंक्ति याद करो आप, कि ये दो दशरथ के ढोटा बाल मरालनि के कलजो। विश्वामित्र ने कहा कि ये दोनों दशरथ के पुत्र हैं, बाल मरालनि के कलजोटा, जिन्होंने बचपन में ही ताड़का जैसी राक्षसी को मार दिया, जिन्होंने बचपन में ही मारीच को बिना फन के बाण से ही, अब भगवान फर भी लगा सकते थे ना, यहां ध्यान देना, फन मतलब वो नुकीला भाग, बाण के ऊपर जो नुकीला भाग होता है उसको फन कहते हैं। भगवान फन लगा के भी मारीच को मार सकते थे, लेकिन फन क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि पहली बार दंड नहीं देना चाहिए, मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए किसी को, थोड़ा सा दंड दो उसको, फिर और थोड़ा सा दो, फिर नहीं माने तो सिर के बाद, तब वो फन लगाना चाहिए। भगवान को मारना ही था तो फन लगाकर मार देते, एक ही बार हर हर महादेव हो जाता, पर बिना फन का बाण मारा है, क्योंकि जो व्यक्ति गलत करे उसे सीधे मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। 100 योजन दूर भेज दिया था ना, कितनी दूर, 100 योजन दूर, तेरी सीमा खत्म हो गई, अब वहां रहेगा तू,